यह है दोस्तों महिपालपुर, देख सकते हैं तस्वीरें, ये महिपालपुर है और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। और ये है NH44 और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं द्वारका एक्सप्रेसवे जो बनाया जा रहा है उसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि कितना कुछ काम हो चुका है द्वारका एक्सप्रेसवे पर। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं गाइस आपको दिखाने वाला हूँ, तो आप बने रहिए केपी संत के साथ में और देख सकते हैं, एंजॉय कीजिए। देख सकते हैं किस तरीके से ये फ्लाईओवर बना हुआ है दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। देख सकते हैं ये सिंहमूर्ति महिपालपुर, ये मेरे लेफ्ट में, और यहाँ से देखिए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है द्वारका एक्सप्रेस के लिए। और यहाँ से हम NH24 से ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये लगा दिए गए हैं सेफ्टी बोर्ड, और ये जो कंपनी वर्क कर रही है वो है जय कुमार। देख सकते हैं ये पाइलिंग मशीन हो रही है, पाइलिंग, अब पाइलिंग मशीन लगी हुई है और ये क्रेनें लगी हुई हैं। यहाँ से देख सकते हैं ये साइडों में ये वाला, ये देख सकते हैं, ये आपको बता दूँ कि ये घूम जाएगा ऐसे, मतलब कि राइट हो जाएगा। यह है NH44 गाइस, और उसके बगल में ही देखिए सर्विस लाइन के बगल में ही ये देखिए ये सेफ्टी बोर्ड लगा दिए गए, और देख सकते हैं ये पाइलिंग मशीनें लगा दी गई हैं। अब इन पर पाइलिंग होना स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर अभी जल्दी में ही लगाया है। और हम चलेंगे उस साइड में और आपको बता दूँ ये ऐसे कर्व ले लेगा राइट में, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे को ये क्रॉस करवाएगा। तो आज आप लोगों को इसी की अपडेट देने वाला हूँ पैकेज फर्स्ट की। तो देख सकते हैं यहाँ से ये घूम जाएगा इधर की साइड में, अब घूम के आते हैं फिर आप लोगों को दिखाते हैं आगे की तस्वीरें। ये देख सकते हैं यहाँ से हम ले लेते हैं राइट। दोस्तों बता दूँ आपको, जो गुड़गांव से आने वाले हैं वो यहाँ से ये लेफ्ट हो जाएंगे। देख सकते हैं ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये जय कुमार द्वारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है और ये चल रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे पर भाई, देख सकते हैं, क्योंकि उधर से जो उधर से आएंगे वो भी चढ़ जाएंगे और जो इधर से जाएंगे वो भी इस साइड में चढ़ जाएंगे गाइस। देख सकते हैं इधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये सेफ्टी बोर्ड लगाए हुए हैं जय कुमार द्वारा। और यहाँ से हम मुड़ चुके हैं द्वारका के लिए, देख सकते हैं ये अब आपको दिखाएंगे द्वारका एक्सप्रेसवे पर कितना कुछ काम हो चुका है, वो आप लोगों को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा 2-3 महीने के बाद में गाइस। देख सकते हैं ये सेफ्टी बोर्ड लगे हुए हैं जय कुमार के, क्योंकि इधर ये ट्यूनल बनाई जा रही है राइट में, ये ट्यूनल जा रही है निकल के। तो आपको आगे से दिखाते हैं जो वर्क चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो दिखाते हैं आपको। जब आपको अच्छे क्लियर चमकेगा गाइस। दोस्तों ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, देख सकते हैं ये द्वारका एक्सप्रेस में बनाया जा रहा है और ये नीचे ट्यूनल बनाई जा रही है, वो भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये इतने पिलर ये कंप्लीट हो चुके हैं, बनके तैयार हैं, बस इस पर अब लॉन्चर लगाया जाना, और लॉन्चर लग जाने के बाद में ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा गाइस। तो तस्वीर आप लोगों को दिखा देते हैं ट्यूनल कैसी बनाई जा रही है, देख सकते हैं ये ट्यूनल है। आपको बता दूँ कि जो वाहन आएंगे, आपको बता दूँ गुरुग्राम की तरफ से जो वाहन आएंगे वो ट्यूनल के अंदर ऐसे निकल जाएंगे, इस तरीके से ऐसे चले जाएंगे। देख सकते हैं ये ट्यूनल बनाई जा रही है, और ये जो उधर से दिल्ली की साइड से आएंगे इस तरीके से, ये ऐसे आएंगे दिल्ली की साइड से और इस पर चढ़ जाएंगे ऊपर के लिए। तो ये बनाया जा रहा है, यहाँ पर काफ़ी बड़ा अंडरपास बनाया जाएगा। तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, ये क्रेन मशीन लगी हुई है और ये द्वारका एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है तेज़ी के साथ में गाइस। तो आज मैं इसी की तस्वीरें दिखाऊँगा, क्योंकि पिछली वीडियो में जब मैं आया था तब ये नहीं बनाई जा रही थी ट्यूनल, लेकिन अब ये ट्यूनल बना दी गई है, आधी कंप्लीट हो चुकी है, देख सकते हैं। तो यही है नज़ारे, और देखो और दिखाते हैं अब आगे की तस्वीरें आप लोगों को। और तस्वीरें आगे के आप लोगों को दिखाता हुआ चल रहा हूँ, देख सकते हैं ये तस्वीरें, और यहाँ पर देख सकते हैं ये राइट में मेरे ट्यूनल बनाई जा रही है जो कि अंडरग्राउंड चलेगा, बांध चलेंगे और ऊपर इसके एक्सप्रेसवे होगा। आपको बता दूं क्योंकि यहाँ पर ये बगल में राइट में एयरपोर्ट है, तो इस वजह से इस पर ऊपर फ्लाईओवर नहीं दिया गया है। देख सकते हैं ये यहाँ से ये अंदर आ जाती है, ये देख सकते हैं ये दोनों साइड में ट्यूनल बनाई जा रही हैं, टनल बनाई जा रही हैं। टनल इसलिए बनाई जा रही हैं कि ये फ्लाईओवर को नहीं दे सकते हैं, यहाँ पर फ्लाईओवर नहीं बनाया जाएगा,
और यहाँ पर बनाई जाएगी टनल, टनल के अंदर से आएंगे जाएंगे द्वारका एक्सप्रेस वे के लिए। और बहुत ही सुंदर एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है कापाछेड़ा के लिए। ये रेड लाइट आ चुकी है, देख सकते हैं कापाछेड़ा की, और इसको निकलते हुए और हम चलेंगे आगे और फिर आप लोगों को दिखाएंगे तस्वीरें। देख सकते हैं ये दोनों साइड में टनल बना दी गई है टनल। अब ये लेफ्ट वाली बनाई जा रही है, राइट वाली तो बनके कंप्लीट सी ही हो गई है। देख सकते हैं ये टनल बनाई जा रही है, ये टनल बनाई जा रही है गैस, क्योंकि अंडरग्राउंड इसके भान चलेंगे और ऊपर से ये पाटने का काम चल रहा है। ये देख सकते हैं किस तरीके से ये पाटी जा रही है, तो यही पाटने का काम चल रहा है टनल को। और टनल पट जाने के बाद में फिर इस पर भान नीचे चलेंगे अंडरग्राउंड, ऊपर भी नीचे भी, क्योंकि बगल में ये एयरपोर्ट की जो दीवार है वो चमक रही होगी आपको। ये एयरपोर्ट की दीवार है गाइस, ये देख सकते हैं। और अब हम चलेंगे इस टनल के ऊपर, देख सकते हैं किस तरीके से ये टनल बनाई गई है और इधर भी बनाई जा रही है। ये देख सकते हैं ये वर्क चल रहा है, ये टनल के हम ऊपर चलने लगे गाइस। ये टनल बिल्कुल बन के कम्प्लीट हो गई है, तो हम इसके ऊपर चल रहे हैं अभी वाहन, ये ऊपर चल रहे हैं वाहन। और ये फर्स्ट पैकेज है, और ये इधर भी बनाई जा रही है लेफ्ट में, देख सकते हैं ये सेफ्टी बोर्ड लगे हुए हैं। और ये देख सकते हैं जेसीबी द्वारा इस पर खुदाई की जा रही है, देखो इधर भी आधी बन चुकी है, क्योंकि इसमें अंडर, इसके टनल के अंडरग्राउंड ही वाहन चलेंगे ऊपर और नीचे दोनों साइड में। देख सकते हैं ये पाटने का काम चल रहा है टनल को, ये देखिए तस्वीरें, ये इस तरीके से ये टनल बनाई जा रही है। देखो किस तरीके से बनाई जा रही है, लेफ्ट साइड वाली बनाई जा रही है और राइट साइड वाली के ऊपर हम चल रहे हैं अभी, जो टनल के ऊपर हम चल रहे हैं और लेफ्ट में ये बनाई जा रही है, क्योंकि इस पे फ्लाईओवर इस पे इसलिए नहीं बनाया गया है क्योंकि ये एयरपोर्ट की लाइन है, ये एयरपोर्ट है साइड में, तो इस वजह से ये देखिए अंडरग्राउंड ये टनल बनाई गई है। ऊपर भी वाहन चलेंगे और इसके अंदर भी वाहन चलेंगे, तस्वीर आप लोग देख सकते हो गाइस। ये द्वारका एक्सप्रेस वे क्या है, इधर भी बना ली गई है दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट में दोनों साइड में टनल बना दी गई है गाइस, और इसी के हम ऊपर चल रहे हैं अभी। देख सकते हैं कि कोई कह नहीं सकता कि इस पर ये नीचे अंडरग्राउंड भी वाहन चलेंगे। जो दिल्ली से आने वाले हैं वो ऊपर चलेंगे और जो गुरुग्राम से आने वाले हैं वो ऊपर चलेंगे गाइस, जो गुरुग्राम से आएंगे वो नीचे अंदर चलेंगे अंडरग्राउंड जाएंगे टनल के अंदर। देखो इस पर ये डावर घेरा जा रहा है, अब इसको पाट दिया जाएगा टनल को, तो कुछ इसी टाइप की ये टनल बनाई जा रही है गाइस। क्योंकि एलिवेटेड नहीं हो सकता था, एलिवेटेड रिसील नहीं हो सकता था क्योंकि ये एयरपोर्ट है बगल में, इसलिए यहाँ पर अंडरग्राउंड टनल बनाई गई है। ऊपर भी वाहन चलेंगे और टनल के अंदर भी चलेंगे।
और दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं ये तस्वीरें, और यहाँ से ये एलिवेटेड हो जाता है। द्वारका एक्सप्रेसवे जो बनाया जा रहा है वो यहाँ से एलिवेटेड होना स्टार्ट हो जाता है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं गाइस, ये हैं तस्वीरें, और देख सकते हैं ये लॉन्चर लगा हुआ है जो कि एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट कर रहा है। देखिए आप लोग तस्वीरें, और काफ़ी टाइम के बाद मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, काफ़ी टाइम के बाद में गाइस। तस्वीरें देख सकते हैं आप लोग कि कितना कुछ यहाँ पर वर्क हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जोड़ दिया है। और जब मैं दो ढाई महीने पहले आया था तब यहाँ पर कुछ नहीं था। देख सकते हैं कि लॉन्चर ही लॉन्चर आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। देखिए आप लोग, ये है नज़ारे गाइस, नज़ारे देख सकते हैं। ये चला जा रहा है, ये ER2 है और ये एक्सप्रेसवे 2 है, देख सकते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे। और ये आ रहा है ट्रकों के द्वारा लद के, और यहाँ से एलिवेटेड हो जाता है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि आपको बता दूं कि ये है UR2 जो आ रहा है पानीपत सोनीपत से, ये देखिए बनता हुआ। और ये हमारे दिल्ली से और गुरुग्राम से आ रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको पिलर ही पिलर नज़र आएंगे गाइस, पिलर के अलावा कुछ आप लोगों को दिखाई नहीं देगा। देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे लॉन्चर लगे हुए हैं, किस तरीके से ये जोड़ रहे हैं। तस्वीर आप लोग खुद ही देख सकते हो अपनी आंखों से, देखो आप लोग, ये है नज़ारे द्वारका एक्सप्रेसवे के। ये देख सकते हैं UR2, इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा। ये देख सकते हैं तस्वीरें, ये फैटरिंग चल रही है, और देखिए पिलर भी, ये एक पिलर से दूसरे पिलर को जोड़ा जा रहा है, और देखिए वो लॉन्चर द्वारा भी जोड़े जा रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। और ये 12 लेन का एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है गाइस, बहुत ही सुंदर, हमारे नीतीश गडकरी साहब बनवा रहे हैं इसको, देखो हर जगह आप लोगों को लॉन्चर ही नज़र आएंगे, लॉन्चर ही लॉन्चर आप लोगों को दिखाई देंगे गाइस। आज आप लोगों को मैं पूरा क्लियर करूंगा। ये UR2 ये सीधा चला जाता है, यहाँ का भी आपको अपडेट दूंगा मैं, और यहाँ से ये हो जाता है नजफगढ़ होते हुए सीधा, और ये निकलेगा खिड़की दौला जाके। ये 29 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है गाइस, ये UR2 देख सकते हैं, ये सारे पिलर कंप्लीट हैं, इन पर पिलर कैप का काम होना। और हम चलते हैं अब लेफ्ट में गाइस, और ट्रकों पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लाए जाते हैं। ये देख सकते हैं, ये देखो जिधर आप नज़र उठा कर देखोगे उधर ही कंस्ट्रक्शन आपको नज़र आएगा। पहले यहाँ पर लगा हुआ था जो लॉन्चर था जब मैंने अपडेट दिया था, और आज की डेट में तो बहुत सारा काम हो चुका है इस पर। तो आज लोगों को इस वीडियो में बिल्कुल मैं क्लियर करने वाला हूं, देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि हम इसके बीच से गए थे पहले, इसके बीच से होके गए थे, कुछ ऐसा नज़ारा यहाँ का, देखो आप लोग, ये है नज़ारे गाइस।